गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेज नंबर 38। इसमें कल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाए थे, इसमें दे भी दिए थे कि इसको कंप्लीट करना है बुक में। आज हम लोग को पढ़ना है 3 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ए में है 6, ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है 6। यहां पर बॉक्स है प्लस बॉक्स इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है। इसमें देखिए यहां पर 6 जो लिखा हुआ है ए भी है और एक आई है, यानी ए भी मीन्स 5 और ये जो आई है इसका क्या मतलब होता है 1, यानी 5 + 1 = 6। इसका क्या हो गया, इसका मान ये जो लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल्स में ये हिंदू अरबी इसका 6 हो गया। तो इसका ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं इसमें इसको कंप्लीट करना है और तब यहां पर लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 50 लिखा हुआ है, यहां पर दिया हुआ है अब यहां ये 15 जो है यानी 10 + 5, तो यहां 10 है x लिखा हुआ है तो x यहां 10 लिख दीजिए, यहां पर भी है 5 है तो यहां पर 5 दे दीजिए, क्या हो गया 15 हो गया। उसी तरह से एक 4 है, यहां पर 2 दिए हुए हैं बॉक्स में इक्वल टू यहां पर है। अब ये 4 जो बनाना है 4 को मैंने इसमें दोनों बॉक्स में क्या लिखेंगे कि दोनों को ऐड करने पर हमको ये 4 आएगा। यहां पर तो माइनस का साइन है नहीं कि हम 5 - 1 करेंगे, यहां हमको ये प्लस है तो यहां 4 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2 भी लिख सकते हैं और 3 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी हमको कितना आना चाहिए ये 4 आना चाहिए। ये जैसे ए 6 है ए 15 है तो ये 4 है, तो हमको ये दोनों बॉक्स जो दिए गए हैं इसमें अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3 और + 1 देते हैं तो ये दोनों मिला करके ये क्या होता है 4 हो जाता। तो 4 हमको यहाँ लिखेंगे 3, इसको हिंदू अरबिक में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1 = 4। अब डी में है 9 है, 9 है यहां भी दिए गए हैं बॉक्स प्लस ये बॉक्स है इक्वल टू बॉक्स, तो ये 9 कैसे करेंगे, यानी हम इसको 5 + 4 = 9। तो हम यहां दे सकते हैं आप 5 + 4 = 9। यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए में है 12 लिखा हुआ है, तो यहां हमको एक बॉक्स प्लस फिर बॉक्स दिया हुआ है इक्वल टू बॉक्स, यानी ये 10 है और प्लस 2 है तो यहां लिख दीजिए 10 + 2 = 12। एक में है 8, क्या पढ़ेंगे
फोर, इसको पढ़ेंगे 41। एक्स एल है जब लेफ्ट साइड में रहता है ना तो वो माइनस हो जाता है, यानी एल का मतलब 50 होता है, तो इसमें से ये 10 माइनस हो जाते हैं 40 और ए 1 हो गया 41। तो 41 को हमको लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 और प्लस 1 इक्वल टू 41। ओके, तो इस तरह एक पूरे इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को, ए से लेकर के ए एल तक, एल एम तक है, तो इसको एल तक इसको कंप्लीट करना है, बुक में ही कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, फील इन द ब्लैंक्स, हो गया यहां पर ए लेस देन मोर देन और इक्वल टू, इसमें भरना है। आप लोगों को पहले भी पढ़ाए गए थे कि लेस देन मोर देन और इक्वल टू के बारे में बताए थे कि कहां पर कौन सा साइन लगता है। ए में क्वेश्चन है एट है और यहां पर 15 है, ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, तो ये 10 और 5 15 और 3 ए 18 है और ये क्या है 15 है। तो इसमें हमको ये देखना है अगर ए 18 और ए 15 कौन बड़ा है दोनों में, तो ये देख रहे हैं कि ये 15 है, 18 यहां पर 18 हो गया और ये 15 हो गया, यानी 18 इज मोर देन 15। तो मोर देन का साइन कौन सा इसमें लगेगा, यानी ये साइन हमारा लगेगा, यही ये साइन जो है ये क्या है, ये मोर देन का साइन है और ये इसको क्या बोलते हैं लेस देन और इसको बोलते हैं इक्वल। तो हमको ये साइन जब देख रहे हैं कि 18 इज मोर देन 15 माने 15 से 18 बड़ा है, तो इसको साइन ऐसे ही लग गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक 13 है, अगर यहां पर दिया हुआ है 25, यहां पर हम देख रहे हैं कि 13 है और यहां 25 है, यानी 13 इज लेस देन 25, 25 से 13 क्या है कम है, तो लेस देन का साइन कौन है, यहां दिया हुआ है लेस देन का साइन, यानी इसमें ये साइन लगा देंगे। सी में है अगर यहां देखिए ये क्या है, ए 44 है, ए 44 है, यहां भी 44 लिखा हुआ है, रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, हिंदू अरबिक में है, तो दोनों क्या है दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन क्या लगेगा ए लगेगा। तो इस तरह हम इसको ये पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में एल तक है, ए से लेकर एल तक, तो ये आप लोग इसी तरह बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, अरेंज द फॉलोइंग
एसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, एसेंडिंग ऑर्डर में होता है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटा से बड़ा। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। यहां लिखा हुआ है फोर, यहां लिखा हुआ है एट, यहां फाइव, यहां सेवन, यहां सिक्स। हम आप लोगों को बोले कि ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमको लिखना है एसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा। तो हम इसमें ये देखेंगे हम कि सबसे छोटा कौन है। तो ये पहले आप रीड करेंगे, ये फोर है, एट है, फाइव है। क्या मान लेते हैं कि ये फोर अगर हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर एट करते हैं, यहाँ फाइव करते हैं, यहाँ सेवन करते हैं, यहाँ सिक्स करते हैं, तो देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो स्मॉलेस्ट इसमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, फोर है। तो सबसे पहले हम ए फोर को लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में ही लिखेंगे। और फोर, अब ये तो फोर लिख दिए हम, अब ये जो नंबर है इसमें देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें कौन है, फाइव है, तो यहां पर लिख देंगे फाइव। उसके बाद सिक्स है, तो यहां हम लिखेंगे सिक्स। उसके बाद एट है, सिक्स के बाद सेवन है, तो सेवन लिखेंगे, और एट क्या रहेगा, एट, तो लास्ट में हम एट दे दिए। यानी पहले फोर, उसके बाद फाइव, तब सिक्स, तब सेवन, तब एट। ए हुआ एसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। इसको क्या पढ़ते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं इलेवन। क्या पढ़ेंगे इसको, इलेवन। यहां क्या है, फिफ्टीन, यहां एक्स एक्स है तो ट्वेंटी, और इसको टेन, फाइव और थ्री है, तो ये हो गया एटीन, ए है नाइनटीन। तो अब इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन है। आप लोगों को बता दिए कि अगर आप लोग इस तरह कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नंबर इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि हाँ ये 11 है, यहाँ पर ये 15 है, ये 20 है, और ये 18 है, और यहाँ 19 है। अब आप लोगों को समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, 11 है, तो सबसे पहले हम 11 को लिख देंगे। ओके, अब 11, अब इसमें एक नंबर हो गया, बाकी नंबर में इसमें देखिए कि अब छोटा कौन है, तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि 15 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, ये भी हो गया। आप देखिए इसमें कौन है, आपका इसमें है 18, तो 18 को पहले लिखेंगे, 10, 8, 5, 15, 18 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 20। ये हुआ आपका एसेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब देखिए सेवन है और फोर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें देखना है। ये क्या है, टू वेपन इंडिकेट, ए सिक्स है, ए आपका थ्री है, ए सेवन है और ए फोर है। सबसे बड़ा इसमें देखिए तो कौन है, सबसे देखने से ही पता चल रहा है ना, ए सेवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेवन लिख दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक इसको आप छोड़ देंगे, बाकी जो इसमें देखिए सिक्स है तो सिक्स लिख देंगे, ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया। अब इसमें फोर है तो फोर यहां लिख दिए, ए भी हो गया। अब इसके बाद थ्री, थ्री दे दिए, उसके बाद टू है, यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको क्या करना है, अरेंज कर देना है, ए भी है और ऊपर जो असेंडिंग है उसमें भी ए भी है, वो दोनों कंप्लीट करना है, इसमें भी दोनों कंप्लीट करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये आपका सिक्स था, यहां पर अब सेवन में है, राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। देखिए ए में है फाइव प्लस टू इक्वल टू बॉक्स बनाया हुआ है, फाइव और टू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फाइव में टू ऐड करेंगे तो फाइव पर से क्या होता है सिक्स, सेवन, यानी सेवन हुआ। तो हमको रोमन में लिखना है, तो सेवन हम रोमन नंबर्स में इस तरह लिख देंगे। ओके, अब आइए बी में है टेन माइनस फाइव, इसको भी रोमन नंबर्स में ही लिखना है। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या होगा, 5 हुआ। तो 5 कैसे लिखते हैं, v बना देंगे, हो गया 5। अब आइए एक और देखते हैं सी में, 6 प्लस 7 प्लस 7, ये तीनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ए 7 7 14 और 6 20, तो यहां हम 20 कैसे लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो आप लोग ये पेज नंबर 38 और 39 कंप्लीट कर लेंगे, दो पेज 38 एंड 39 इन बुक, होमवर्क हुआ ये कंप्लीट कर लेना आप लोग को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।